हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की ट्रेड की वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि मार्केट किस साइड जो है ट्रेड कर सकता है, डेटा क्या कह रहा है। ये जो रिटेलर ने कॉल सेल कर दिया 2,35,000 और वहीं सामने HNI ट्रेडर 1,53,000 कॉल बाई करके गए हैं, तो इसमें किसकी डायरेक्शन जो है सही जा रही है और हमें किसके डायरेक्शन को फॉलो करना है, या ये डेटा हमें हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ऑप्शन चैन के जो डेटा है वो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सब कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों बाद आज हमारा जो लाइव सेशन होगा उसको ज्वाइन जरूर कीजिए, ताकि आपकी जो स्टॉक क्वेरी हो उसमें आपको हेल्प मिल सके, और जो हमारा कमिंग बैच है जो 25 मई से है उसको भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर सीख के एंड सही से सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए, तो जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बाकी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है डेटा को रीड करते हैं कि क्या क्या डेटा जो है यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जो रिटेलर है यानी कि क्लाइंट, जो छोटे मोटे जो हमारे ट्रेडर होते हैं जैसे हम लोग हैं, इन्होंने जो इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर दिया 27,000 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल भी शॉर्ट कर दिया 2,35,000 और स्टॉक फ्यूचर भी सेल कर दिया 58। एक्चुअली इन्होंने ये सोचा कि मार्केट एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, एक दिन ऊपर जा रहा है, एक दिन नीचे जा रहा है, और मार्केट काफी दिनों से नीचे ही गिर रहा है और हम लोग लॉन्ग साइड बैठे हैं। अब यहाँ पे मौके मिले हैं, हमें जो है सेल साइड आ जाना चाहिए, हमें सेल ऑन राइज का मौका मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लोग गलत हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मार्केट बॉटम आउट का इंडिकेशन दे रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है कि इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है, और ये हमने आपको एडवांस में बताना शुरू कर दिया था। लास्ट डे के लिए जो हमारा एडवांस व्यू था वो वीक था, क्योंकि जो डेटा शो हो रहा था HNI NFII का वो बेरिस हो रहा था, लेकिन प्राइज एक्शन मैच नहीं किया। और मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ कि प्राइज एक्शन को देखना जरूरी है। अब सिंपल सी चीज है कि अगर मार्केट गैप अप खुला और वो ऊपर ही चलते जा रहा है, तो किस हिसाब से आप उसको सेल करना चाहेंगे। अब वहां पे सिंपल एक ही चीज है, डेटा को देखिए। अगर डेटा सजेस्ट कर रहा है तो सेल कीजिए, या इम्पोर्टेंट लेवल अगर वहां पे होल्ड हो रहा है तो सेल कीजिए। होल्ड नहीं हुआ तो हमने क्या किया, वहां पे आपको 450 की कॉल बाई दी। कितने पे? 50 रुपये पे। जो आपको हमने कॉल बाई दी निफ्टी की 16,450 की, 50 रुपये पे बाई दी, बिल्कुल बाई इन डिप, वही लो लगा दिन का जब हमने बाई दी और 98 का हाई लगा। वैसे टारगेट अभी बड़े हैं, तो टारगेट अचीव होंगे नहीं अचीव होंगे, अगर आप मुझे डेली देखते हैं तो इस डेटा को आप देख के समझ सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के डेटा को देखते हैं। FII ने इंडेक्स फ्यूचर जो है यहाँ पे 37,000 क्वांटिटी लॉन्ग की है, इंडेक्स कॉल भी लॉन्ग किया है 82,000 क्वांटिटी, और इंडेक्स पुट भी शॉर्ट किया 20,206 क्वांटिटी, स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग किया 48,310 क्वांटिटी, यानी कि FII क्या गया है, बुलिश। क्लियर दिख रहा है। प्रो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट किया है 11,010 क्वांटिटी, इंडेक्स कॉल लॉन्ग किया है 1,53,000, इंडेक्स पुट को सेल किया 74,000 और स्टॉक फ्यूचर सेल किया 28,000। तो इंडेक्स पे HNI भी हमारे बुलिश हैं, स्टॉक स्पेसिफिक इन्होंने सेलिंग की है, जो कि सेलिंग नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि काफी दिनों से लॉन्ग मिल के होल्ड आ रहा है। DII की पोजीशन देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में 7,000 की सेलिंग है, इंडेक्स पुट में 300 क्वांटिटी बाई है और स्टॉक फ्यूचर में 19,000 क्वांटिटी की सेलिंग है। डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि जो FII और HNI है वो लॉन्ग गए हैं, क्लाइंट हमारा बियरिश ट्रेड लिया है, यानी कि वो बियरिश पोजीशन होल्ड कर रहा है। अब एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के मन में, कई लोगों ने पूछा भी था कि लास्ट फ्राइडे के लिए डेटा जो है बियरिश हो रहा था, ऑल ऑफ जो करंट का जो फिगर आया था, बट मार्केट ऊपर चला गया, ये कैसे हुआ? तो क्या HNI और FII इन्होंने जो है लॉस बुक किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? आपको याद होगा फर्स्ट डे जब बिल्कुल हम बॉटम पे थे, मैंने आपको बोला था कि डेटा यहाँ से चेंज हो रहा है और ये लोग जो है लोअर लेवल पे कॉल एक्युमुलेट कर रहे हैं। तो कभी भी ये लोग पोजीशन सिर्फ वन डे में नहीं बनाते हैं, इनकी पोजीशन सिस्टमेटिक तरीके से चेंज होती रहती है और ये लोग ग्रेजुअली ऐड करते हैं। इन्होंने लोअर लेवल पे जो कॉल एक्युमुलेट की थी, जहां पे मैंने भी आपको बाय इन डिप दिया था, वहां से निफ्टी 250 से 300 पॉइंट ऊपर गई थी और बैंक निफ्टी भी 1,000-1,200 पॉइंट ऊपर गई थी, उसके बाद से वो पॉइंट टच नहीं हुआ है। तो अगर उन्होंने उस लेवल पे एंट्री लिया है तो उनका लॉस नहीं हुआ है, और जैसे मार्केट नीचे आया इन्होंने फिर से वहां पे और ऐड कर लिया और अब मार्केट जो है ऊपर था, तो उनको लॉस किसी भी एंगल से नहीं हुआ। जो हमें दिखा बेरिश पोजीशन वो उनके साथ हैज पोजीशन थी, और वो जरूरी नहीं है कि उन्होंने ITM में ही बनाई हो, ATM में बनाई हो, पॉसिबल है कि उन्होंने ATM में न बना के OTM में पोजीशन बनाई हो, तो वहां पे उनको लॉस भी नहीं होगा। अगर होगा भी तो प्रॉफिट के सामने बहुत छोटा है, जो कि हमें और आपको दिखेगा कि लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्रॉफिट में है। यही है बड़े प्लेयर की
बड़ी प्लानिंग। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेटा हम लोग देखते जरूर है, लेकिन प्राइज एक्शन को अगले दिन जरूर देखते हैं। अगर मैच नहीं करता है तो हम लोग वेट करते हैं प्रॉपर, और उसके बाद ही हम एंट्री करते हैं। इस एंगल से अगर कभी भी करेंगे तो हमें जो है दिक्कत नहीं होगी, हमारे जो व्यू हमेशा सही होंगे और हम बिल्कुल सही जाएंगे। अदरवाइज कई लोग क्या है कि जल्दबाजी के चक्कर में अर्ली इन द मॉर्निंग मार्केट जैसे खुला नहीं बिना गुड मॉर्निंग बोले हुए जंप कर लेते हैं, तो फिर वो लोग तो दिन भर परेशान रहेंगे रहेंगे, जैसे आप देख सकते हो रिटेलर ने। और मुझे लग रहा है कि हर राइस पे इन लोगों ने अपनी सेलिंग को एवरेज आउट किया है। और अगर मार्केट यहाँ से नहीं पलटा तो जैसे ये लोग प्रीवियसली जैसे मार्केट डेली गिर रहा था और ये लॉन्ग को है तब वहाँ पे एवरेज कर रहे थे, पुट को सेल पे सेल किए जा रहे थे और डेली इनकी काटी जा रही थी, वैसे इनकी लॉन्ग साइड फिर से कटेगी। आई होप ऐसा हो सकता है, ध्यान देके चलिएगा। अब देखिए डेटा क्या क्या होल्ड है यहाँ पे इनके पास, वो जरूर देखना है। तो इनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है 65,000 अब लॉन्ग रह गया, यानी कि 30,000 इन्होंने या तो बुक किया और या तो एग्जिट कर लिया। इसके बाद DI के पास देखिए तो 19,000 शॉर्ट था, अभी इनके पास 27,000 शॉर्ट हो गया। FII के पास 75,000 शॉर्ट था, अब इनके पास 38,000 शॉर्ट हो गया, यानी कि इन्होंने आधी पोजीशन हटा दी अब। इसके बाद प्रो के पास जो है 1,000 क्वांटिटी अब लॉन्ग आ रही है, 2100 के सामने 1,000, तो सम प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट। इसके बाद क्लाइंट का पोजीशन देखिए इंडेक्स कॉल में, तो पहले ये 78,000 क्वांटिटी लॉन्ग लेके चल रहे थे, अब 156,000 सीधे शॉर्ट में आ गए। और DI की कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई इंडेक्स कॉल पे। FII के पास जो पहले 93,000 क्वांटिटी लॉन्ग था इंडेक्स कॉल, अभी इनके पास 175,000 क्वांटिटी लॉन्ग है, यानी कि इन्होंने एवरेज आउट किया या तो अच्छी खासी कॉल ऐड की है ओपनिंग इन द मार्केट। इसके बाद प्रो का डेटा देखिए तो 172,000 शॉर्ट था, अब इनके पास महज 19,000 क्वांटिटी शॉर्ट है इंडेक्स कॉल में, तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी इन्होंने भी कॉल में ऐड की है। बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा अगर इनका भी मंडे को पोजिशन ग्रीन में आ जाए कॉल एडिंग साइड। अब इंडेक्स पुट पर देखिए तो क्लाइंट के पास जो है पहले 3,23,000 शॉर्ट था, अब 2,29,000 शॉर्ट है, तो ये तो कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग होगा क्योंकि इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट की थी और मार्केट गैप अप खुला था, तो पॉसिबल है कि अगर ओपनिंग में भी प्रॉफिट बुक किया होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। इसके बाद DI के पास जो है 30,000 पुट लॉन्ग था, अभी भी जो है 30,000 पुट लॉन्ग है इनके पास। इसके बाद FII के पास जो है पहले 3,00,000 पुट लॉन्ग था, अभी जो है 2,84,000 जो है इनके पास पुट लॉन्ग है। और प्रो के पास जो है 1,14,000 जो है शॉर्ट था पुट, अब इनके पास जो है 85,000 क्वांटिटी शॉर्ट है, तो इनके पास अच्छी खासी क्वांटिटी जो है पुट की शॉर्ट है। अब अगर हम FII HNI दोनों का डेटा मैच करें तो FII के पास देखिए यहाँ पे 1,75,000 कॉल लॉन्ग है और यहाँ पे 2,84,203 पुट लॉन्ग है, यानी कि अभी भी इनके पास पुट जो है होल्डिंग में है। ठीक है, अभी भी इनके पास जो पुट है वो होल्डिंग में है। इसके बाद अगर FII का डेटा के बाद प्रो का डेटा देखें तो इनके पास 19,000 कॉल शॉर्ट है और पुट जो है 85,000, तो इनकी जो पोजीशन है वो बुलिश आ चुकी है। यही वो प्लेयर थे यहाँ पे जो मार्केट को ऊपर रोकने का काम कर रहे थे, लेकिन अब इनका जो डेटा है वो ऊपर ले जाने का काम करता हुआ दिख रहा है, ऐसा इनके पास पोजीशन जो होल्डिंग में दिख रही है। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट के पास 12,00,000 अभी भी लॉन्ग है और DI के पास सेम 16,00,000 शॉर्ट है, FII के पास 2,44,000 लॉन्ग और प्रो के पास 2,00,000 क्वांटिटी लॉन्ग है। तो स्टॉक फ्यूचर का तो डेटा वही है, स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग शॉर्ट चल रहा है, लेकिन जो इंडेक्स का डेटा है वो बहुत ही एम्बिगुटेड डेटा दिख रहा है। यहाँ पे डेटा जो है बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप मार्केट को या तो सडन जो है गिरते हुए देखोगे या सडन ऊपर जाते हुए, लेकिन ये जो FII और HNI है ये अब लोअर लेवल पे कॉल को एक्युमुलेट करना शुरू किए हैं। पोजीशन की थोड़ी सी बेरी साइड दिख रही है अभी भी, HNI की पोजीशन तो कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, FII अभी भी पुट होल्ड कर रहा है। अगर मंडे FII पुट को अपना एग्जिट कर लिया और कंप्लीट बुलिश साइड आ गया और रिटेल ट्रेडर अपने जैसे आदत से बाज नहीं आते हैं, एवरेज करते हैं, एवरेज करके ऐसे ही शॉर्ट पोजीशन होल्ड करता है, तो मार्केट बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीक में कंप्लीट बुलिश रहेगा। तो एक ट्रेडिंग सेशन और होगा मंडे को जिसको आपको प्राइज एक्शन के साथ वॉच करना पड़ेगा। अगर प्राइज आपकी ऊपर जाती है, ओपनिंग सस्टेन करती है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से आप 16,500 तक आराम से फर्स्ट कम से कम यहाँ तक तो देख ही लेंगे। इसके बाद फर्दर डिसाइड होगा कि 16,500-16,500 के मार्केट आगे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। इन सबको और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आइए चलते हैं निफ्टी का ऑप्शन चैन डेटा पे। यहाँ पे हम लोग आगे के जो लेबल्स है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे 3 कॉल्स, जिसमें पहला जो कॉल है वो है ग्रेनोल्स इंडिया,
जिसको हम लोग 373 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे हमारा एशल होगा 269 का। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है सन टीवी। सन टीवी को हम लोग यहाँ पे बाई करके चल सकते हैं 443 के ऊपर, और यहाँ पे 428 की क्वांटिटी और ऐड करनी है, और इसके बाद 420 का एशल मेंटेन करना है। अब यहाँ पे दो एंट्री किस लिए, यहाँ पे मैं लर्निंग देना चाहूँगा। कई लोग पूछते हैं कि ऊपर बाई दिया फिर डिप में भी बाई है, एशल बहुत बड़ा हो रहा है। तो एशल बड़ा नहीं हो रहा है, अगर आपने 443 के ऊपर बाई किया और ये नीचे नहीं आया ऊपर ही जा रहा है तो आपके एसएल का कोई मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर इनकेस 443 एग्जीक्यूट करके नीचे आ रहा है और चूंकि पता है कि गिरेगा नहीं, और 428 पर अगर आप एक बार एंट्री ले रहे हो तो आपकी जो बाइंग है वो एवरेज हो जाएगी और एसएल बहुत छोटा बन जाएगा। और उसके बाद अगर ये प्रीवियस के बाई रेट पे भी यानी कि 443 पे भी जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, 13 पॉइंट का। तो यही आपको प्रॉफिट हो जाएगा इनिशियली वाला, जो ऊपर वाला जो आपने बाई किया वो जीरो पे आ जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसीलिए हमने इसको इस हिसाब से बाई दिया हुआ है। किसी किसी ट्रेड में ऐसा बनता है, तो जहाँ पे जैसा सेटअप होता है उसी हिसाब से हम एंट्री मेंटेन करते हैं। तो यहाँ की एंट्री यही है कि 443 के ऊपर बाई करेंगे, अगर डिप आता है तो 428 के पास और ऐड करेंगे और एसएल 420 का मेंटेन करेंगे, और नहीं डिप आया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सीधे टारगेट बुक करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो है गोदरेज कंज्यूमर, पॉसिबल ब्रेकडाउन का है। अगर 746 को सस्टेन कर लिया तो 746 के नीचे हम इसको सेल करके चल सकते हैं। यहाँ पे 753 का बहुत ही चिंदी चोरी वाला जो है एसएल होगा, बहुत ही छोटा सा एसएल है। नेक्स्ट इंडेक्स में सबसे पहले बैंक निफ्टी, तो सबसे पहले लेबल 34,650 का अहम रेजिस्टेंस है और 33,600 का सपोर्ट है। अभी अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे से मार्केट जो है यहाँ पे अपने आप को बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहा है, और ये डबल बॉटम टाइप जो है क्रिएशन यहाँ पे कर चुका है दो बार आके, और प्रीवियस अपने लो को नहीं ब्रेक किया। ये बहुत ही अच्छा साइन है। ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, ये कंसोलिडेशन जैसे ही क्रॉस होगा तो मार्केट प्रेस तेजी के साथ रेडी हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर मार्केट इसी रेंज को यहाँ पे प्ले आउट करता रहेगा। तो लेवल इम्पॉर्टेंट है, अगर ओपनिंग के साथ आपके जो ओपनिंग लेवल है वो होल्ड है तो आपको प्राइजेक्शन देखते हुए बाई करना है। सिंपल सा चीज़ है कि आपकी जो क्लोजिंग हुई है 34,311 की हुई है, और लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो दो स्विंग हाई लगे हुए हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि 34,400 के हैं, यानी कि 34,400 के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही चलनी स्टार्ट करेगी प्राइजेक्शन के साथ तो हमें बाई साइड रहना है। अगर 34,400 नहीं ब्रेक हुआ, मार्केट किसी भी एंगल से कैप डाउन होता है, 34,100 को टच करता है, 100 टच करने के बाद प्रॉपर प्राइजेक्शन दे रहा है और यहीं नीचे सस्टेन होने लगा तो फिर आप सेल करेंगे। उस समय टारगेट छोटे रखिए, पहले एक बार 34,000 से लेकर 33,900 के बीच में प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर ये होल्ड हो रहा है तो फिर यहाँ से बाई का व्यू लेके चलिए, अगर ये ब्रेक हो रहा है तो फिर आप ये समझिए कि मार्केट अभी आज जो बेयरिश रह सकता है। तो लेवल बहुत सिंपल है, एंट्री भी सिंपल है, क्लियर कट व्यू है, नहीं समझ में आएगा दोबारा एक बार देखिएगा। अभी देखिए इसका जो ऑप्शन चैन का डेटा है इस पर एक्सेल शीट, ये बियरिस दोनों हो चुका है, इंट्राडे एंड पोजिशनल भी। अगर आप यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखना चाहें तो पुट सेलिंग जो है बिल्कुल एडी से लेके चोटी तक जो है पुट सेलिंग दिख रही है। वहीं अगर कॉल साइड देखेंगे तो एडी में जो है शॉर्ट बिल्डअप है और सेंटर में लॉन्ग बिल्डअप है, और बाकी बाहर में कोई पोजिशन अभी बिल्डअप नहीं है। तो अगर ये डेटा ऐसे ही सेटअप के साथ रहेंगे तो मार्केट रिसेंट तरीके से बिना वॉलेटिलिटी के ऊपर जाएगा। ऑप्शन चैन की डेटा जो एनएससी की सहायता से देखेंगे तो बड़ा ही मस्त जो है यहाँ पे सेटअप है। यहाँ पे देखिए आप तकरीबन आपके 7,46,000 कॉल सेलर हैं और 8,26,000 पुट सेलर हैं, यानी कि मैच कितने हैं, सिर्फ 1,00,000 ज्यादा हैं, और 1,00,000 तो कभी भी मार्केट में आजकल पोजिशन चेंज हो जाती है। अभी अगर स्ट्राइक प्राइस वाइज देखेंगे तो जो कॉल सेलर हैं वो एग्जिट ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि इनकी यहाँ पे गाड़ी फंस सकती है तो वो एग्जिट ले लिए, और पुट बिल्डअप दिख रहा है, बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी नहीं है लेकिन फिर भी फ्रेश देखने को मिली है कि पुट बिल्डिंग यहाँ पे चल रही है। अब मेजोर जो लेवल्स आ रहे हैं 34,300 का है, यही लेवल मार्केट के लिए एक अहम है, अगर इसको ब्रेक किया तो 34,400-500 तक आराम से जाएंगे। 500 एक ऐसा लेवल है कि अगर ये ब्रेक होगा तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बनेगी और इस समय मार्केट जो सीधे आपके 35,000 को टच करेगा। तो 34,500 जिसको स्विंग के लिए प्ले करना है 34,500 पे ईगल आई रखिए, ये ब्रेक होता है तो स्विंग के लिए एंट्री कीजिए, और वॉइस वर्सा बेयरिश साइड पोजीशन के लिए नियर में जो पोजीशन है बड़ी वाली सपोर्ट वाली वो 34,000 है। 34,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक गिरावट आएगी नहीं, खुल के 34,000 तक बाइंग आएगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर इनकेस 300 के नीचे मार्केट खुलता है, प्राइजेक्शन दिखता है तो टारगेट अगर आप बुक भी करें तो 33,900 से 34,000 के बीच में बिल्कुल बुक कर लें, क्योंकि 34,000 एक अहम सपोर्ट है। 84,000 जो पुट सेलर है जो कि आपके कॉल सेलर से भी ज़्यादा है, तो ये 34,000 को वॉयलेट नहीं होने देंगे,
ये इसको होल्ड करके रखेंगे। और रिटेलर की पोजीशन चूंकि यहाँ पे अपोजिट साइड में फंसती हुई दिख रही है, और HNI और FII ये डेटा देखने के बाद पॉसिबल है कि अपने पोजीशन को लॉन्ग साइड ही बिल्डअप करें और रिटेलर को ट्रैप करें, जो कि हमेशा चूहा बिल्ली का खेल चलता रहता है और पॉसिबल है कि यही खेल जो है आगे कंटिन्यू होगा। निफ्टी का लेवल देखिए, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है 16,445 का और सपोर्ट आ रहा है 16,050 का। अभी निफ्टी के लिए 16,000 का लेवल बहुत अहम हो चुका है, 16,050 का ये जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ने भी दो बार यहाँ पे बॉटम बनाने की कोशिश की है और प्रीवियस का जो लो है स्विंग लो वो होल्ड है, वॉलेट नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट की रिकवरी के लिए। यहाँ पे अभी अगर हम लोग इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से चली है, निफ्टी ने कहीं भी कोई वॉयलेशन नहीं किया, बहुत अच्छे से रेंज में ली। यहाँ पे हम लोग एंट्री की थी बहुत अच्छी वाली, इसके बाद बिल्कुल डे हाई पे जाके क्लोजिंग हुई। तो सिंपल है कि अगर 16,300 को निफ्टी क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने लगी तो हमें एक और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जो कि 400 से लेके 445-500 तक लीड कर सकती है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 16,500 तक। 500 एक अहम लेवल है, ज़्यादा वहाँ पे कॉल राइटर एक्टिव है। अगर इनकेस कोई गैप डाउन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो पहला 16,200 जहाँ पे एक्युमुलेशन का चांस होगा, इसके बाद 16,125 से लेके 16,000 तक। तो अगर आप शॉर्ट साइड जाते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए तो टारगेट थोड़े छोटे रखिएगा, क्विक बुकिंग रखिएगा, क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं होगा कि ये मार्केट नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा, ऊपर की कन्फर्मेशन ज़्यादा रहेगी, अभी भी है, इसलिए बाय एंड डिप का मार्केट जो है लेके चलना है यहाँ पे। हाँ, प्राइस एक्शन अगर मिला सेल साइड से तो हम उस हिसाब से कन्वर्ट भी करेंगे, क्योंकि एक प्लेयर है जो अभी भी पुट होल्ड कर रहा है, तो पॉसिबल है कि मार्केट किसी भी एंगल से निकल सकता है। लेकिन जो ओवरऑल जो डेटा सजेस्ट यही कर रहा है कि पॉसिबल है कि ये लोग फिर से रिटेलर को ट्रैप करेंगे यहाँ पे। अब निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन का जो डेटा है, पुट ऑप्शन का डेटा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मतलब बिल्कुल रस्सा कसी वाला गेम यहाँ पे होने वाला है। 16,00,000 कॉल से कॉल सेलर है और 16,26,000 पुट सेलर, यहाँ पे 16,06,000 कॉल सेलर और 16,26,000 पुट सेलर, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल इंटैक्ट डेटा है, बराबर का डेटा ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं कहीं जो है आपको कॉल सेलिंग स्क्वायर अप दिखी है, जो कि क्वांटिटी काफ़ी यूज है ITM पे, और पुट सेलिंग देखेंगे तो बिल्डिंग है लेकिन बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी नहीं है, लेकिन प्रेस बिल्डअप देखने को मिला है। 16,300 जो कि मैंने ऐड किया इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग के लिए रेडी रहना है और एक अच्छी खासी तेजी 100 पॉइंट तक तो इजली देखने को मिलेगी। और इसके बाद पुट साइड से देखेंगे तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आ रहा नियर बाई में 16,200, और उसके पहले जो सपोर्ट है वो 16,300 का, जो कि छोटा मोटा, अगर मार्केट 16,300 को क्रॉस किया तो ये कॉल सेलर जो है बैकफुट पे आएंगे और ये जो पुट सेलर है फिर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और मार्केट को सिस्टमेटिक तरीके से बिल्कुल डिसेंट तरीके से ऊपर लेके चलेंगे। डेटा निफ्टी का ऐसा है कि न तेरा न मेरा वाला हाल है, मार्केट वर्ल्ड मार्केट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन करेगा उसी हिसाब से डेटा आगे ट्रेस बिल्डअप होगा, ऐसा ट्रेडर जो डिसाइड करके गया है कि जिस हिसाब से मंडे जो है प्राइस एक्शन मिलेगा उसी एंगल से हम निफ्टी में जो है पोजिशन बनाएंगे। निफ्टी को साथ देने के लिए ITC ऑलवेज ऐसा लग रहा है कि उसने कमर कस लिया कि मैं निफ्टी को हमेशा आप सपोर्ट करूंगी, ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट चल रहा है ITC में, तो ITC के ऊपर ध्यान दें। अगर मोटा भाई ने भी साथ दिया तो ये दोनों मिलके ही निफ्टी को संभाल लेंगे और फिर निफ्टी गिरेगी नहीं और ऐसे ही चाल देगी बहुत अच्छे तरीके से। और बैंक के लिए कोटेक बैंक आगे चल रहा है आजकल और ICICI बैंक भी पॉसिबल है साथ दे, और एक्सिस बैंक का भी मूड ऐसा लग रहा है कि साथ देगा, तो मार्केट में साथ देने वालों की कमी नहीं है। डेटा उस हिसाब से बिल्डअप है कि रिटेल ट्रेडर का डेटा भी अगेंस्ट में पड़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं अगर रिटेल ट्रेडर को ट्रैक किया जाए। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइस एक्शन देखिए, उसके बाद एंट्री जो है कीजिए ताकि कोई डाउट नहीं। उम्मीद है कि आपको ऑलवेज जैसे अभी तक हेल्प हो रही है वैसे हेल्प होगी। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई सजेशन हो तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, एंड अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आज के लाइव सेशन में, लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।